नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बिहार की अभिनेत्रियां कितनी पढ़ी लिखी है। एक्टिंग के करियर में जाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों के अच्छे अभिनय की उम्मीद तो हर किसी को होती है, लेकिन कई लोग इस गलतफहमी का भी शिकार होते हैं कि अभिनय की दुनिया में जाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए पढ़ाई लिखाई दूर की कौड़ी है। लेकिन आज हम आपको बिहार से निकले अभिनेत्रियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएंगे कि आखिर बिहार से निकली ये अभिनेत्रियां कितनी पढ़ी लिखी है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे श्रुति झा की। प्रज्ञा के किरदार से सुर्खियों में आई श्रुति झा को कौन नहीं पहचानता। बिहार की इस बेटी ने अभिनय के क्षेत्र में बिहार का मान बढ़ाया है, साथ ही अपना लोहा भी मनवाया है। कुमकुम भाग्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाली प्रज्ञा उर्फ श्रुति झा का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 26 फरवरी 1986 को हुआ था। वही बात अगर हम श्रुति के पढ़ाई लिखाई की करें तो श्रुति ने बीए इन इंग्लिश श्री वेंकटेश्वर कॉलेज नई दिल्ली से पूरी की है। आपको बता दें कि श्रुति ने अपने अब तक के करियर में कुंडली भाग्य के अलावा सौभाग्यवती भव, बालिका वधू, धूम मचाओ धूम, शौर्य और सुहानी, जिया जले, ज्योति जैसे टीवी सीरियल में काम किया है। अब हम बात करेंगे रतन राजपूत की। अगले जहनम मोहे बिटिया ही कीजो से सुर्खियों में आई रतन राजपूत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार की मान बढ़ाने वाली रतन राजपूत आखिर कितनी पढ़ी लिखी है? तो हम आपको बता दें कि पटना में जन्मी रतन राजपूत ने स्नातक तक की पढ़ाई की हुई है, जिसके बाद ही उन्होंने मुंबई जाकर अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाने की ठानी थी, जिसके बाद उन्होंने संतोषी माँ, स्वयंवर, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, एमटीवी फना, महाभारत, गंगा रिश्तों का मेला जैसे टीवी सीरियल में काम किया है। अब हम बात करेंगे छवि पांडे की। टीवी की दुनिया में कदम रखकर अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली छवि पांडे का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 18 जुलाई 1994 को हुआ था। छवि ने अपनी स्कूली पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट भुवनेश्वर से पूरी की थी। वहीं स्नातक की पढ़ाई राजधानी पटना के मगध महिला कॉलेज से पूरी की थी। आपको बता दें कि छवि ने सोशियोलॉजी में अपने स्नातक की डिग्री ली है, जिसके बाद वो एक्टिंग करियर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई रवाना हो गई थी। छवि ने साल 2012 में फिल्म विदेशिया में अपना पहला फिल्मी डेब्यू किया था। वहीं अपने अब तक के करियर में छवि ने एक बूंदिश्क, प्रेम बंधन, सिलसिला प्यार का, काल भैरव, रहस्य, लेडी स्पेशल, बंधन समेत सीरियल में काम किया है। अब बात करेंगे श्वेता बसु प्रसाद की। श्वेता बसु प्रसाद का रिश्ता भी बिहार से है। श्वेता का जन्म 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में हुआ था। श्वेता के जन्म के दौरान जमशेदपुर बिहार का हिस्सा था। यही कारण है कि श्वेता बसु को बिहार और झारखंड दोनों की बेटी कहा जाता है। श्वेता के पढ़ाई लिखाई की बात करें तो श्वेता ने स्नातक की डिग्री मास कम्युनिकेशन में पूरी की थी। साथ ही उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाने से पहले बतौर जर्नलिस्ट के रूप में द इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी काम किया था। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने श्वेता प्रसाद को मक्की यानी कि कन्नथल म्यूथिमटल के लिए पीएस कीर्तन की भूमिका के लिए साल 2002 के लिए 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को भी प्रदान किया था। श्वेता ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, डरना जरूरी है, वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई टीवी सीरियल और होस्टेज जैसे वेब सीरीज में भी काम किया है। अब बात बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी स्कूली पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर से की थी। वहीं स्नातक की पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग प्रिलिमा विठल देव पॉलिटेक्निक ऑफ श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे विमेन यूनिवर्सिटी से पूरी की। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर की थी, जिसके बाद ही उन्होंने सलमान खान के साथ अपनी पहली डेब्यू फिल्म की थी। अब हम बात करेंगे सुहासिनी मुलय की। वाह लाइफ हो तो ऐसी में दादी का किरदार निभाने वाली सुहासिनी मुलय का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 20 नवंबर 1950 को हुआ था। सुहासिनी ने अपने अभिनय को करियर के रूप में आगे नहीं बढ़ाया, इसके बजाय उन्होंने मॉन्ट्रियल कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में मृदा रसायन विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की और फिल्म, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता और उसी विश्वविद्यालय में प्रिंट की पढ़ाई भी की। अब बात शिल्पा शुक्ला की। चक दे इंडिया में बिंदिया के किरदार से चर्चा में आई शिल्पा शुक्ला ने अपने अभिनय का कीर्तिमान स्थापित किया है। बीए पास जैसी सीरीज में काम करने वाली शिल्पा का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। वहीं शिल्पा की पढ़ाई की बात तो शिल्पा ने मिरांडा हाउस दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की भी है। अब बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 20 जून 1984 को हुआ था। नीतू ने अपनी पढ़ाई नॉटरडेम एकेडमी से पूरी की थी। वहीं उन्होंने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पूरी की थी। अब बात करेंगे आयशा शर्मा की। आयशा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में साल 1989 में हुआ था। आयशा फिल्मी पर्दे पर अभी तक कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, मगर आयशा ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है लोगों ने
ने उनके काम की सराहना की है। वहीं बात अगर हम आयशा की पढ़ाई की करें तो आयशा ने अपनी स्कूलिंग स्प्रिंग डेल स्कूल दिल्ली से पूरी की है। वहीं साधक की पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नोएडा में जाकर उन्होंने की है। तो ये बिहार की अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अभिनय की दुनिया में बिहार का मान तो बढ़ाया ही है, साथ ही पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अपने नाम पर नया कीर्तिमान दर्ज किया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।